शिल प्रभुपाद के शब्द सुने या चैतन्य महाप्रभु ने कहा लक्षेश्वर? चैतन्य महाप्रभु भक्त थे, भक्त अवतार हम कहते थे, भक्त के रूप में भगवान ही है, भगवान एक स्टैंडर्ड रखा मिनिमम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते ना शुद्ध भक्त, उसको तो किसके हाथ का भी चलेगा ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अन्न पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप देखते हैं जो लक्षेश्वर ना हो उसके हाथ का अन्न लेते नहीं थे। आप बड़े हैं कि चैतन्य महाप्रभु बड़े हैं? अब इसको छोड़ दीजिए, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य 70 वर्ष की आयु में दो बार हार्ट अटैक आ गया। इस अवस्था में श्रील प्रभुपाद सात समुद्र पार करके अमेरिका में गए कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। तो हम सुनते कि श्रील प्रभुपाद जी अपने साथ में कुकर लेके गए थे, है ना, प्रभुपाद क्वार्टर में। तो हम सुनते प्रभुपाद कुकर लेके गए, प्रभुपाद अपने हाथ से कुकिंग किया ना शुरुआत में, हमने सुना। श्रील प्रभुपाद सब कॉम्प्रोमाइज किए परंतु खाने को कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, क्योंकि भजन का प्राण अन्न को कहा जाता है। हमारा स्मरण अखंडित क्यों नहीं है, इतनी कोशिश करना है, क्योंकि आपका अन्न बाधित, अन्न जो है पवित्र नहीं है। अन्न यदि अन्नमय कोशात कहा जाता है, आप जब अन्न ग्रहण करते हैं ना, मैं किसी वक्त को कह दिया ये बात मैंने कही थी, आयुर्वेद के अनुसार भी कहा जाता है, जैसे आप नाम जप करें ना, नाम जप करते आपको गलत विचार आ जाते, कभी कुछ काम वासना चल जाएगा, नाम जप करते करते शुद्ध हो जाएंगे, परंतु अन्न को लेते समय बहुत ज्यादा शुद्ध होना जरूरी है। वदनी कवळ घेता नाव घ्या श्री हरीचे, और वहां पे कहते उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म, उदर भरण नोहे। प्रसाद लेना अपने आप में बहुत उच्च अंग है भगवान के भजन का, ये साधारण चीज नहीं है। भक्तों में और संसारी लोगों में एक अंतर होता है, संसारी लोग पेट को भरने के लिए खाते हैं, हम भगवत भजन करने के लिए ग्रहण करते हैं। तो ये समझ लीजिए, पेट भरने के लिए अन्न को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अन्न पर ब्रह्म कहते हैं ना, अन्न पर ब्रह्म मतलब ये साक्षात अन्न साधारण नहीं होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं अन्न में, वहां पर एक शब्द है कि जब आप अन्न को जैसे स्पर्श करते हैं, अन्न को जो स्पर्श किया जाए ना, आप खाते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस समय कहा जाता है कि आपके समस्त जो कोश है, जो क्या कहते हैं पेशी, पेशी होती है ना वो रंध्र, समस्त कोश खुल जाते हैं और वह पूरे संसार को एब्जॉर्ब करते हैं उस समय। बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी आयुर्वेद के अनुसार कि आप जब अन्न ले रहे हैं तो उस समय मान लीजिए, इसीलिए मैंने एक बचपन में हमारे बायोलॉजी में था, स्कूल में मैंने पढ़ा था किताब में, बहुत सुंदर वाक्य था, उसमें समझ में नहीं आया पर तो अभी समझ में आता है, वो थे व्हेन यू आर नॉट इन गुड मूड डोंट ईट फूड, बायोलॉजी में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अन्न को स्पर्श कर रहे उस समय आपने जो भावना आपकी होंगी, मान लीजिए आपके हृदय में काम वासना हो गई, मान लीजिए आपके हृदय में क्रोध है, मान लीजिए आपके हृदय में ईर्ष्या भावना, उस समय आपने अगर अन्न को मुंह में डाल दिया, जो भावना है वो कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, बहुत प्रबल हो जाती है। उस समय आपने मान लीजिए कि संसारी व्यक्ति को आपने देख लिया जो काम वासना से प्रभावित है, उसको आपने देख लिया तो तुरंत वह काम वासना आप में प्रवेश कर जाता है। एक तरह से चुंबक ऐसे लोहे को खींचता है, तो कहते अन्न लेते समय आपकी चित्त वृत्ति वैसी रहती है, जो रूप आप देखते हैं, जो बातों को, इसलिए कई बार हम देखे यहां पे पहले होता ना कि क्या चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे प्रसादम के समय, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का कीर्तन, ये तीन चीज अति आवश्यक होती है विष्णु से प्रसाद ग्रहण के समय कहा जाता है। तो क्योंकि अन्न, तो मैं जो कह रहा था चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण मैंने दिया, श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया, और कैसे कई आचार्य, कौन हमारे को हल्दर स्वामी महाराज, हमने सुना अभी लेटेस्ट मुझे बताने की वे सदैव अपने हाथ के ही लेते हैं। हमारे परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज को मैं देखा हूँ, वो भी जनरली खाते नहीं किसी हाथ का, मैं दो बार उनको देखा जब अमरावती आए थे, खुद वो डीटी किचन में आते थे, खुद अपने हाथ से खिचड़ी कुकिंग करते थे। तो ये तो बात सच्चिदानंद प्रभु बता रहे थे जब रिट्रीट में मैं उनको अटेंड किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप तीन एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कौन सा, तो कहा कि आप लगो 15 दिन आपसे उन्नत किसी भक्त के हाथ का, आप जो बहुत अधिक भजन जिसका होगा, बहुत अधिक भक्ति होंगी, उसके हाथ के अन्न को लेकर देखिए। दूसरा है आप अपने खुद के हाथ का लेकर देखिए, और तीसरा जो नया कोई व्यक्ति हो जो अभी तक माला भी नहीं कर, उसके हाथ का लेके देखिए 15-15 दिन। अगर आप सही में सही जप कर रहे होंगे आपको दोनों फर्क पता चल जाएंगे।
भले ही कोई तो चैतन्य महाप्रभु तो 1 लाख का शिल प्रभुपात से अपने हाथ का कहते हैं, यहाँ तक मैं सुन श्याम सुंदर को कहे ना कि हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य क्या था, जब हम शुरुआत में हम शिल प्रभुपात जी के संपर्क में आए, प्रभुपात जी का दर्शन किया हमने, प्रभुपात जी से कीर्तन सुना, परंतु सबसे मेन एक चीज थी कि हमने डायरेक्ट प्रभुपात के हाथ का खाया भी है। पहली जो बैच थी ना प्रभुपात के शिष्यों की, उनकी सबसे स्पेशल चीज जो और किसी को मिली नहीं बाद में, ऐसा नहीं कि बाद में जैसे महाराज गुरु महाराज मान लीजिए, गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी के हाथ का खाया होगा क्या पता नहीं, क्योंकि बाद में कीर्तनानंद महाराज कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे दिया था प्रभुपाद ने, तो फिर उनको दीक्षा हो गई, फिर उनको प्रभुपाद बनाने लगे। तो वो जो पहले प्रभुपाद जी के शिष्य थे उन्होंने डायरेक्ट प्रभुपाद के हाथ का खाया था। आप कल्पना कीजिए अगर प्रभुपाद के हाथ की एक भी कचोरी हमको मिल जाती, काश क्या कचोरी होंगी। एक भगवान का पार्षद इस पृथ्वी पर आया और उसने कचोरी बनाई होंगी, क्या शुद्धता होंगी। तो वहां पर देखते नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जो शांतिपुर में भोजन कर रहे थे, नित्यानंद को स्पर्श किया, वो अन्न था, वो अन्न उन्होंने फेंक दिया, अद्वैत आचार्य को अष्ट विकार आ गए। अन्न में इतना सामर्थ्य, नैनम गलत अष्टुधार या वदनम गदगद रुद्रया किरा पुलकैर निशितम वपु कदा तव प्रसाद ग्रहिष्यति। एक बार कहते हैं आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, अगर सही में शुद्ध होगा प्रसाद, पहली चीज होंगी आपकी भक्ति की इच्छा एकदम मल्टीप्लाई होने लगेंगी। हम जो बोलते हैं ना सही अन्नामृत पाव राधा कृष्ण गुण गाओ, ये नेचुरल होता है। आपने अगर शुद्ध भावना से शुद्ध अन्न लिया है, आपकी भक्ति की इच्छा एकदम मल्टीप्लाई, मतलब प्रसाद लेते बराबर आपको जप करने की इच्छा होनी चाहिए। अब बोले प्रभु जी ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, ऐसा कैसे होता ही। सही में अगर आपका शुद्ध हो तो भजन की, तो अगर वो जो प्रसाद अगर कोई बना रहा है उसका हृदय यदि काम वासना से पीड़ित है। अब देखा कहीं कुछ तो मैंने किसी नाम नहीं बताऊंगा, एक मंदिर का मैं उदाहरण सुना कि जहाँ पर कुछ ब्रह्मचारी आश्रम छोड़कर गए और चेक किया गया और पता चला कि वो ब्रह्मचारी एक दो गए और उसके बाद में पता चला कि वहाँ का जो कुक था वो किसी को लेकर भाग गया, समझ गया ना, भाग गया किसको ले, मतलब किसको लेकर भाग, समझ गया मतलब, मतलब उसका कुछ और चल रहा था और वो बना रहा था, कुकिंग कर रहा था, इसका परिणाम क्या हुआ कि एक दो ब्रह्मचारी उसके उसके जाने के पहले वो चले गए। तो क्योंकि वो जो बना रहा है वो बहुत अधिक, अभी हाल ही मैंने एक प्रवचन सुना था, दो चीज अगर की जाए कि जो बना रहा है उसका बहुत अच्छी साधना होनी चाहिए और विशेष रूप से अगर एक चीज को वो ध्यान रखे, कौन सी चीज, तो कहते कि कुकिंग जब कर रहा है किचन में प्रवेश किया तब किचन में निकलने तक कंटिन्यूस उसने नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। तो मंत्र उच्चारण अगर हो बनाते समय तो वो अन्न में पूरी शुद्धि आ जाती है, पहली चीज। तो पूरा बोले मैनेजमेंट की बात है तो हम कैसे करेंगे। तो जनरल इनको हम प्रार्थना कर सकते कि ये चीज, क्योंकि शिल प्रभुपाद ने वैसे शिल प्रभुपाद का स्टैंडर्ड जो पूछा गया तो शिल प्रभुपाद से ब्राह्मण दीक्षित कहे। आप देखेंगे अगर मैं शिक्षामृत में अगर आप पढ़ सकते हैं प्रभुपाद के जो कोट्स हैं, ब्राह्मण दीक्षित ही वास्तविक अन्न बनाते हैं, क्योंकि भगवान किसके हाथ का ग्रहण करेंगे, भगवान जो है केवल उसके हाथ का ही ग्रहण करते ब्राह्मण। तो भले हम कहते कि हाँ भोग लगा दिया हमने, तो प्रसाद प्रसाद में अंतर होता है, अंतर लेवल में कॉन्शियसनेस चिंतन प्रभावित होता है। तो जो सबसे मान लीजिए जो कुकिंग कर रहा है वो बहुत आलसी होगा एक नंबर का और वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे दिन में सोता होगा, वो व्यक्ति ने कुकिंग किया और वो आपने खाया तो सब खाने के बाद में सोना है पक्का, आप न चाहते हो आपको नींद आएंगी क्यों खाया है उसके हाथ का। तो अगर उस चीज़ को ठीक कर सके तो ठीक है, वो एक चीज़ है, परंतु हम सभी के हाथ में नहीं रहता, वो फिर अल्टीमेटली मैनेजमेंट का विषय है। परंतु दूसरी चीज हमारे हाथ में जो है वो कहा जाता है कि बनाने वाले की शुद्धता बहुत आवश्यक है, उससे ज्यादा आवश्यक है आप जब प्रसाद ग्रहण कर रहे उस समय आपकी पवित्र भावना होनी चाहिए। यहाँ तक हम सुने कुछ वृंदावन में कुछ साधु जो मधुकरी वृत्ति थे, माधुकरी करते थे और लेकर आते हैं वो भोजन और क्या करते हैं वो सब रख दिया उन्होंने, दाल रोटी रख दी, कम से कम 15 मिनट तक कीर्तन ही करते रहेंगे, मतलब मेरा मन एकदम अच्छा प्रिपेयर करना है मुझे पहले खाने के पहले, ऐसे कुछ भी गप 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 खा लिया माल ठोको प्रोग्राम आक्रमण जैसे वो महाप्रसाद गोविंद राम रावण कभी कभी मंत्र बोलते ही नहीं पता नहीं। एक वक्त इसलिए मुझे याद है, वो मैं पुणे में था, वो ब्रह्मचारी के साथ में बैठे महाप्रसाद गोविंद धीरे धीरे बोले बोले घाई नहीं है महाप्रसाद। और मुझे याद है जब शुरुआत में हम पुणे में थे
उस समय दोनों प्रार्थना बोली जाती थी, दूसरी प्रार्थना एक दिन शांति पूरे प्रभु श्री अद्वैत घरे, उस दूसरी प्रार्थना को भी लिया जाता है। और उसके बाद वो ब्रह्मचारी ने मुझे कहा कि महामंत्र को धीरे धीरे बोलो और तीन बार बोलो। ये क्या है? मैंने बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर दूसरी बार महामंत्र, फिर तीसरी, बोले कि तीन बार अगर महामंत्र बोलें कम से कम रजोवृत्ति रजोगुण वृत्ति चली जाती है, थोड़ा एटलीस्ट सही भावना आती है कि प्रसाद ले रहे हैं, मतलब भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। और ये कहा जाता है अगर दो घंटा एक घंटा मान लीजिए एक डेढ़ घंटा आप जो दिन में खाते हैं सुबह शाम को दोपहर को राजभोग भी कुछ खाते होंगे, डेढ़ घंटा आपने अगर बिल्कुल अच्छी भावना से प्रसाद ग्रहण किया दो घंटा, 22 घंटा नॉनस्टॉप आपको श्री कृष्ण का स्मरण होगा। अगर ये दो घंटा आपने शुद्ध कर लिया तो, अगर एक संकल्प हो जाए, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि दो चीजें जीवा के दो कार्य हैं बोलना और खाना, ये दो चीज को पूरा शुद्ध कर लीजिए आपको इन आंखों से आप कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। जिह्वा को पूरा शुद्ध होता है केवल नाम अखंड नाम जिसको आ जाते हैं कीर्तन ये सदा हरि, और दूसरा है जिह्वा की शुद्धि होती है केवल और केवल इस जिह्वा पर शुद्ध अन्न, मतलब यहाँ तक कहते कि जल की बूंद भी जो लेते हैं वो भी कृष्ण के स्मरण के बिना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसी पानी जैसा पानी वैसी वाणी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर कहा जाता है एक प्रवचन में कह रहा था कि हर ग्रास के साथ में ना वदनी कवल घेता नाव घ्या श्री हरिचे। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि शयने की भोजने की वा जागरणे अहर निश चिंत कृष्ण बल वदने। अब तीनों चीज इम्पॉसिबल है, कि शयने कृष्ण बल वदने, सोते समय कितने लोग कीर्तन कर सकते हैं बोलो, तीनों चीज इम्पॉसिबल, कि शयने की भोजने खाते समय आपके मुंह में गुलाब जामुन भर दिया है बोलो हरे कृष्ण महामंत्र। अब गुलाब जामुन मुंह में भरा है तो हरे कृष्ण मंत्र निकलेगा क्या? परंतु प्रैक्टिस हो सकता है। आप देखते हैं, अब आप मुझे देखते देखते भी मन में गाली दे सकते हैं कि नहीं मुझे? प्रभु जी खत्म ही नहीं कर दे, क्या ही निकलता है कि नहीं गाली? आप एक समय इंटरनल डायलॉग चलता है आपका, अभ्यास करे तो इंटरनल डायलॉग में महामंत्र भी चल सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो उसमें कहा जाता है एक अभ्यास किया जाए, जैसे हमारे कौन थे राधा कुंड प्रभु, आपको पता है शिल प्रभुपाद के शिष्य यहाँ आए थे अयोध्यापति प्रभु के शिक्षा गुरु जी का तो राधा श्याम सुंदर की जय, राधा मदन मोहन की जय, राधा गुरु। और उस समय मुझे याद है 2003 में 4 में जब मैं राधा कुंड प्रभु की सेवा में मुझे महाराज जी भेजे थे, मुझे याद है मैंने कुछ देर और प्रैक्टिस किया था और सही में अलग लगता था वो। अब मैं प्रवचन में देता हूँ परंतु उस चीज़ को मैं उतना हमेशा हम नहीं कर पाते, कभी कभी प्रयास करते बीच बीच में, बहुत अलग भावना रहती है उसमें। आप जितने ग्रास लेंगे मतलब हर ग्रास में राधा कृष्ण का नाम स्मरण किया, वो क्या करते थे राधा कुंड प्रभु जिनको नहीं बताऊंगा, दाल चावल सब्जी सब कुछ एकदम मिला देते थे वो भक्ति विधान से, और फिर वो ग्रास बनाते थे, एक ग्रास में राधा कृष्ण नाम दूसरे ग्रास में, और जब नाम भूल गए तो फिर रुक जाते थे, फिर उनको याद दिलाना पड़ता था राधा गोकुलानंद राधा राज बिहारी राधा लंडनेश्वर राधा पैरिसेश्वर, और वो याद करे वो याद करना पड़ता था और कौन से कृष्ण के नाम याद करो। तो उससे अपने आप मतलब जो दबा के खाने की प्रवृत्ति है ना वो भी चली जाती है, इसको अत्याहार आपका ऐसे चले जाएंगे क्योंकि गिन के खाना पड़ता है उस समय, और सात्विक वृत्ति आती है खाते समय। तो ठीक है मैं तो प्रवचन हुए दूसरा हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जय, नीता गौर प्रेमानंद हरि में।